बैठा करो, करो बोलो सॉरी, अब नहीं करूंगी। गाना गा रहे हो? हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो गई है सुबह, सुबह का आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से ब्लॉग, ठीक है। तो सुबह में मैं ऐसे ही टी शर्ट में काम करती हूँ, जूड़ा बना लेती हूँ कस के, क्योंकि हमें करना है बर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गैस गंदा हो गया था, गंदा मैं आपको बताती हूँ, इतना भयंकर गंदा कैसे हो जाता है। मतलब हम लोग इतने डेली कितनी सफाई करते हैं, जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं ना, दाल वाल बनाते हैं, तो उसकी सीटी मतलब इस तरीके से आजकल पता नहीं ऐसे ही सब में आ रहा है, इस तरीके से लगता है ना कि वो पूरे दीवारों पे, पूरे गैस पे, आगे पीछे हर जगह, नीचे भी हर जगह उसका पानी निकल के छींटे इतनी बुरी तरीके से निकलता है ना कि हमारा गैस अच्छे से तो हो जाता है, फिर साफ़ करना पड़ जाता है, क्योंकि बिना साफ़ करे तो अच्छा ही नहीं लगता। आप लोगों को तो पता है पीला पीला से दाल हल्दी वाला पानी ना पूरे में हो जाता है। तो ये गैस साफ़ कर ले रही हूँ, ठीक है। अच्छे से मैंने पूरा रगड़ के साबुन जूने से मतलब चमका दिया है, ये देख लीजिए। और सारे बर्तन यहाँ सारे इकट्ठे करके मांज ले रही हूँ, धो ले रही हूँ अच्छे से, ठीक है। और मैंने सोचा दिखाती हूँ यार, अपना काम तो शुरुआत करना ही है, बस आप लोग लाइक नहीं करते हैं, फुल वॉच नहीं करते हैं, इसी चीज़ की कमी रह जाती है। तो बस सपोर्ट करें, मेरा ब्लॉग आएगा, बस सपोर्ट करिए, ठीक है। और आप चैलेंज वीडियो भी दे रहे हैं और मुझे सब मैं लाइक कर रही हूँ, हाँ मैं करूँगी, बस सपोर्ट करिए। आपके और रिक्वेस्ट इतने अच्छे अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। और बस कमेंट कर देना कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, ठीक है। और यहाँ पर मैं बर्तन भी अपने धो के रखे जा रही हूँ, और साथ में मैं ना एक्सरसाइज भी कर रही हूँ अपना, मतलब हिल हिल के, कूद कूद के, आप लोग को दिख रहा होगा मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। और जब से मैंने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज, काफ़ी फैट मेरा कम हो गया है, नहीं तो ना मेरा पेट मतलब काफ़ी क्या 3-4 दिन हुए हैं अभी मेरा स्टार्ट करे हुए, उसी 3-4 दिनों में ही मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि ना फैट मेरा ना आपको दिख रहा होगा साइड से इतना ज़्यादा हो गया ना, कमर के पास पेट में इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं क्या बता नहीं सकती, बस आप लोग देख लेना। साड़ी में मैंने आपको दिखाया है पूरा, ठीक है, पूरा मैंने आपको दिखाया है किचन का काम मैं कैसे करती हूँ, पूरी ऊपर की सफाई भी दिखाई है, नीचे की सफाई भी दिखाई है, ठीक है। तो हमारे घर में ना गैस लग रही थी, हाँ देख लीजिए हमारे बर्तन ना पूरे हो चुके हैं, ठीक है, बस थोड़े बहुत लास्ट के धुलते हैं ना वो हैं चम्मच वगैरह। और हमारे घर में वो जो अभी लाइन नहीं आ रही है येलो कलर की, क्या बोलते हैं इनको, कुछ बोलते हैं, मतलब अब इनका मीटर लग गया है घर में गैस, बस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सिलेंडर हटा दिए हैं, 2 सिलेंडर है हमारे पास। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब देखो गैस, ये वाली गैस लग गई है तो सिलेंडर की तो ज़रूरत नहीं है, है ना। तो मैंने इनको बोला था भेज दो, तो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं अभी नहीं। तो ये यहाँ जहाँ मैं आपको जूने से रगड़ते हुए दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर रखा था सिलेंडर, तो बहुत ना गंदा हो गया था, काला हो गया था, तो यहाँ पे मैंने ना स्टील वाले जूने से और साबुन लेके रगड़ दिया है, अच्छे से रगड़ दिया है, मगर फिर भी कुछ कुछ रह गया है, वो ना पता नहीं किससे, कोई पहनी चीज़ से साफ़ होगा। और हर जगह मैंने साफ़ कर करके ना पोछा मार मार के आपको दिखाया, एक एक चीज़ दिखाई है, देखो चमक गया है मेरा किचन। बड़े बड़े बर्तन मैं नीचे रखती हूँ क्योंकि ना बस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने पहनी हुई है साड़ी, तो आज मैंने मतलब ठंड के बाद, बहुत दिनों के बाद पहनी है, ठंड खत्म हो गई। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी ये देख लो, तो ये ना मुझे बहुत प्यारी साड़ी लग रही है, इसका कलर ना मतलब लाइट कलर है, आप लोग देख सकते हैं लाइट कलर है, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। आज का पल्लू है, एक मिनट, तो मैं पल्लू भी करके दिखा देती हूँ, ये देखो रूपा रूपा रूपा।
मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा कहाँ जा रहे हैं, साड़ी पहन रखी है, शादी आदि में जा रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, क्योंकि पता है पूरी ठंड निकल गई, पूरी ठंड निकल गई और मैंने साड़ी नहीं पहनी, इतनी ज्यादा ठंड होती है तो कौन पहनेगा साड़ी। कहाँ गए थे? मैं ढूंढ रही थी, दिखा दूं क्या? तो दिखा दूं क्यों? तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं साड़ी में कैसे लगती हूँ, ठीक है? वैसे अच्छी ही लगती हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और आगे पीछे थोड़ी सी वीडियो हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बर्तन सारे मैंने लगा दिए थे, जो बर्तन थोड़े थोड़े से पड़े हुए थे, ये दूध का पतीला है, इसमें मैंने डाल दिया, भर दिया है पानी और बर्तन धो ले रही हूँ। ये देख लीजिए, शाम का समय है, शाम का काम हो रहा है दोस्तों। तो चले हम काम करते हैं, ठीक है? तो मेरी बेटी पता है क्या कह रही है, सो रही है, तो वो कह रही है मम्मा आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज, तो क्योंकि भाई सुंदर तो नहीं लगूंगी, क्योंकि देखो साड़ी में ना अलग ही अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, हाँ थोड़ी सी आदत नहीं रहती है साड़ी पहनने की। तो चलो हम लोग चलते हैं, हम काम करते हैं। तो मुझे मेरी बेटी सोच रही है, हम लोग ना कहीं जा रहे हैं घूमने, तो मेरी बेटी को नहीं पता कि मैं जा रही हूँ किचन में काम करने, चलते हैं काम करने। तो सच धज के मैं अब लग गई हूँ काम करने, क्योंकि साड़ी पहन रखी है भाई। मगर एक बात बता दूँ आप लोगों को, साड़ी पहन लेती हूँ ना तो मुझे ना बस तैयार होकर बैठने का मन करता है, काम बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि साड़ी मेरी ख़राब नहीं हो जाए, तो लग गई हूँ। और देख लीजिए मैं कैसे काम करती हूँ, ये हो गई है शाम का समय। तो शाम के समय पे बर्तन वगैरह जो धोए थे ना, और थोड़े से किचन सिंक में दोपहर में जो खाना खाया था वो भी है पड़े में। पहले ये जो रखे हैं मैं इनको ना टोकरी में डाल दूंगी, मैं रैक में लगा दूंगी, और बाकी फिर सिंक धो लूंगी, सिंक में जो है वो धो लूंगी। और साबुन ख़त्म हो गया था, बर्तन तो मैंने आपको दिखाया है खोलते हुए, तो बस यही है मेरा ब्लॉग, ठीक है? और आई होप कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? और अगर आप सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, लाइक कर दिए, लाइक नहीं करते मुझे ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, ठीक है? तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? बाय, टाटा।